नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं खबरें बाबू। नीतीश की पार्टी ने पहली बार मनाया स्वर्ण प्रकोष्ठ। बीजेपी के कोर वोटर्स पर जेडीयू की नजर। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही जेडीयू में संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बनाया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष, जिलों के भी अध्यक्ष बदले गए। पार्टी के बड़े नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी दी गई। अब पार्टी ने स्वर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है। पार्टियां अपने टारगेट वोटर के हिसाब से अलग अलग प्रकोष्ठ बनाती हैं। इसमें वैश्य प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, महादलित प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकोष्ठ होते हैं। इसका एक अध्यक्ष होता है जो पार्टी फोरम पर फीडबैक देते रहता है, मगर किसी भी पार्टी ने स्वर्ण प्रकोष्ठ नहीं बनाया था। ये काम नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दिया। जेडीयू ने स्वर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया। स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने नीतीश कुमार विमल। डॉक्टर नीतीश कुमार विमल उर्फ नीतीश कुमार टंडन को स्वर्ण प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। जेडीयू के गठन के समय से ही नीतीश कुमार विमल पार्टी में हैं। उससे पहले 1994 में समता पार्टी में भी थे, मतलब नीतीश कुमार के संघर्ष के साथी रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू माइक्रो लेवल पर स्क्रूटनी करने में जुटी है। ग्राउंड लेवल से फीडबैक लिया जा रहा है। बिहार में भले ही सवर्णों की संख्या ज्यादा नहीं है, मगर कई जगहों पर जिताऊ वोटर जरूर हैं। जेडीयू ने इसकी अहमियत को समझते हुए सवर्ण प्रकोष्ठ बनाने का फैसला लिया। आने वाले समय में दूसरी पार्टियां भी जेडीयू के नक्शे कदम पर चल पड़े तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब तक पार्टियां खुले तौर पर स्वर्ण प्रकोष्ठ बनाने से परहेज करती थी, यहाँ तक कि स्वर्णों के मुद्दों पर सीधे सीधे बोलने से भी कतराती थी। ऐसे ही न्यूज की हर अपडेट के लिए देखते रहिए द खबरी बाबू।